गाइस व्हाट्स अप, आप सभी का स्वागत है द नाइल्स कुम चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है ड्रैगन बॉल जी कैकरॉट। ये बहुत ही बढ़िया सीरीज है एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ ड्रैगन बॉल जी गेम्स। मैंने काफी सारे कार्टून्स देख रखे हैं तो मुझे तो बहुत ही मजा आएगा ये गेम खेलने में एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड गाइज। Dragon Ball Z Kakarot. Let's start, guys. देखते हैं ये स्टोरी हमें कहाँ लेके जाती है। काफी सारे कैरेक्टर्स हैं इस गेम में और काफी सारे एनिमेशंस हैं जो बहुत ही बढ़िया है, फैंटेस्टिक एनिमेशंस इस गेम के। तो हम लोग शुरू करते हैं Dragon Ball Z Kakarot स्टोरी की बात कर लें। तो Dragon Ball Z बेस्ड है एक कैरेक्टर पे, मेन कैरेक्टर पे, जिसका नाम है गोकू, जो कि एक सैयन है जो कि अर्थ पे भेजा गया था बहुत पहले अर्थ को कंट्रोल करने के लिए, बट ये अब यहीं का बंदा बन के रह गया है। और बाकी सब लोग आते हैं अब अर्थ पे अर्थ को कैप्चर करने के लिए और ये उनके अगेंस्ट खड़ा होता है अर्थ को बचाने के लिए। इसमें इसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, अर्थलिंग्स हैं, जो कि हेल्प करते हैं अर्थ को डिफेंड करने के लिए। और गाइस ड्रैगन बॉल जी इसका नाम इसलिए है क्योंकि हम 7 ड्रैगन बॉल्स हैं जिन्हें हम इकट्ठा करके अपनी कोई भी विश मांग सकते हैं गाइस। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट अवर गेम। हम अपनी बैटल डिफिकल्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम नॉर्मल पे ही खेलेंगे। हमने शुरू कर दिया है, स्टोरी रिकैप पढ़ लेते हैं। इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट 7 मिथिकल ऑर्ब्स नोन एज ड्रैगन बॉल्स। एनीवन हु शुड ऑब्टेन दिस 7 ड्रैगन बॉल्स विल बी ग्रांटेड ए हार्ट विश। देखा, वही मैं कह रहा था, वो अपनी मनपसंद कोई भी विश मांग सकता है। और ये टेल है बंदे की ये है गोहान, गोकू का बेटा। क्या कह रहा है अब ये गोकू से? गोकू है सैयन रेस्ड ऑन अर्थ। गोकू अपना सोच रहा है कुछ। पिकोलो आ गया है गाइस। पिकोलो गोकू का राइवल है अर्थ पे। इन दोनों की फाइट आपस में चलती रहती है। ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं ताकि अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा सकें। सैयंस में एक क्वालिटी होती है कि वो जितना लड़ेंगे उतनी पावर ज्यादा उनकी पावर बढ़ेगी। तो ये काफी ज्यादा लड़ने पर इनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ये इनका प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे फाइट शुरू हो गई है। शुरू में ही हमको बड़ा ही ज्यादा मजा आने वाला है। ट्यूटोरियल्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखाए, बस बैटल कंट्रोल्स दिखाए हैं। L2 गार्ड है, L2 प्लस स्क्वायर बर्स्ट है, मूव अप एंड डाउन, बूस्ट, सुपर बूस्ट, चार्ज की ब्लास्ट अटैक, मिली अटैक, स्टेप मिली अटैक। अच्छा इससे है, गार्ड इससे है। ओके, L1 से होल्ड सुपर अटैक पैलेट। ओके, वैनिश अटैक भी है। यार ये तो बहुत ही सारे अटैक्स हैं। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं हम। ये लो पहला अटैक हमने कर दिया है भाई। लेवल 1 पे हैं दोनों खिलाड़ी अभी हमारे और हम तो इसे बड़े आराम से मार देंगे। जबरदस्त, अरे भाई जबरदस्त यार, हमें तो सुपर अटैक्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लगता है। अरे बॉय, अरे चलो डिफेंड कर दिया हमने, बढ़िया। बहुत ही फास्ट कंट्रोल्स हैं, मजा ही आ जाएगा ये गेम खेलने में। इसमें स्टोरी भी है और फाइटिंग भी है, जबरदस्त स्टोरी इसकी, बहुत ऑसम स्टोरी है गाइस। आपको बहुत मजा आने वाला है ड्रैगन बॉल जी की स्टोरी में। तो जिसने नहीं देखा है वो ये पूरा स्टोरी वाइज एपिसोड देख सकता है क्योंकि मैं सारे एपिसोड पोस्ट करने वाला हूँ इसके। चलो ये हम वैनिश जाते हैं फटाफट। और बहुत सारे छोड़ दिए यार इसने, ये ले स्टन कर दिया हमने इसे। अब इसे पेल देंगे हम यहीं पर। पिकोलो वो तो गया। ओ बेटे कितनी तेजी से आया ये हमारी तरफ, बच गए हम। और भाई मार दिया इसने। ओ ये डबल अटैक किया इसने हमारे ऊपर। चलो कामे हमें यहाँ छोड़ते हैं, यस। अरे उसने भी अटैक कर दिया। और ब्रेक कर रहा है यार ये हमारे अटैक्स को, बचना पड़ेगा।
काट काट कर ले भाई। चलो फिर से स्टन हो गया ये सर्ज। As you take damage or deal it out, tension gauge will fill when both your tension gauge and key are full. Hold the triangle to activate the surge effect. Which surge is active? All your stats are boosted. Okay. चलो पहले इसे पेलते हैं फिर करके देखेंगे सर्ज। अरे जबरदस्त। अरे भाई इसने हमको सर्ज करते करते ही पेल दिया। पिकोलो तू तो गया रे पिकोलो। चलो सुपर अटैक करते हैं हम कोई। ये रॉक पेपर सीजर क्या है यार? ये रहा रॉक पेपर सीजर, ये मारते। अरे कैंसिल कर दिया इसने इसके उसको। बहुत छोड़ रहा है यार, ये खत्म ही होने वाला है बस ये पिकोलो। अब तो स्टनिंग हो जाता है बार बार। चल भाई हो गया फिनिश। एस रैंक मिल गया हमको। वाओ जबरदस्त, जबकि हमने इतना अच्छा भी नहीं खेला था। जबरदस्त जबरदस्त, मजेदार, मजा ही आ गया फाइट करके। ये रेडिट्स है गोकू का भाई वेजिटा नापा। अरे बहुत सारे लोग दिखा दिए यार इन्होंने तो। अरे भाई बहुत ही मजा आने वाला है। ड्रैगन बॉल जी स्टॉप द सैयन इन्वेजन, सैयन आने वाले हैं अब। द बॉय सन गोकू डिफीटेड डेमन किंग पिकोलो हु प्लॉटेड वर्ल्ड डोमिनेशन। 5 years हैव पास्ड सिंस दैट विक्ट्री। ओके रेडिट्स गोकू का भाई। Not much longer before this. ये लोग प्लैनेट्स को एक्वायर कर लेते हैं, प्लैनेट्स पे कब्जा करते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं ये लोग हाईएस्ट बिडर को, नहीं तो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। गोकू के भाई का नाम है रेडिट्स द रंट और अब ये किसी प्लैनेट पे कब्जा करने की बातें कर रहे हैं। ये दो बंदों की शक्ल नहीं दिख रही है, मुझे लगता है एक नापा होगा और एक वेजिटा होगा, वही लग रहे हैं मुझे। वो सेंट टू अ डिफरेंट प्लैनेट। यू हैव अ ब्रदर? आई डिडंट थिंक देयर वर एनी सेयंस लेफ्ट बिहाइंड अस। ओके द फैक्ट दैट ही इज योर ब्रदर डजंट एग्जैक्टली फिल मी विद कॉन्फिडेंस। व्हाट प्लैनेट वाज ही सेंट टू? अर्थ। इन्हें पता है कि उसे अर्थ पे भेजा था। चलो भाई ये निकल लिया अर्थ की तरफ। अटैक ऑफ द सैयंस। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है गाइस, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। गोकू अपने ध्यान में मग्न था। डैड वी बेटर हेड होम और मॉम गोना बी रियली मैड एट अस। सॉरी फॉर गेटिंग अ बिट कैरीड अवे गोहान। सॉरी फॉर बीइंग गेटिंग अ बिट कैरीड अवे गोहान। सुपर स्ट्रांग। अच्छा सुपर स्ट्रांग। अ गाय गोइंग बाय द नेम ऑफ पिकोलो के साथ जो फाइट हुई थी उसके बारे में बता रहा है ये। Yeah, well, he used to be called Demon King Piccolo. Demon King Piccolo. He's the strongest guy I've ever fought in my whole life. I don't think anybody's gotten me more pumped up than him. I want to fight him again, so I'm hoping to get stronger, and soon. I'd be afraid to fight someone like that. You know. I bet you'd be just fine if you trained yourself. Saiyans ki poonch hoti hai jisse unhe power milti hai. But Goku ki nahi hai. I don't know kya reason hai. I think usne poonch ko kaat diya gaya tha. Some ingredients for her. How could I not remember that? Chichi ne inko kuch samaan mangaya tha. Chichi Goku ki wife hai, main batana bhul gaya aapko. What all did she need again? Oh,
I think she wanted some fish and apples, Dad. चलो भाई याद आ गया गोहान को. Let's just see if we can't find us some apples around this place. Okay, I'll go look. Gohan sure is full of energy. Full of energy. बच्चा है भाई, बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत होती है. अब ये फील्ड कंट्रोल्स आ गए हमारे. L2 प्लस स्क्वायर की ब्लास्ट, L2 प्लस होल्ड चार्ज की ब्लास्ट. सर्च फॉर की L1 से है. ओके, व्हीकल पैलेट राइड डिसमाउंट. यू कैन फाइंड वैरायटी ऑफ आइटम्स ऑन द फील्ड. सिंपली अप्रोच एन आइटम, यू विल ऑटोमेटिकली कलेक्ट इट. यू विल हैव टू प्रेस दिस व्हेन नियर एन इंपॉर्टेंट आइटम दो टू कलेक्ट इट, एज दे कैन बी ईटन एज इट फॉर स्टैट बूस्ट और कुक्ड एज ए पार्ट ऑफ मील्स फॉर सपोर्ट इफेक्ट्स. ओके 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 ओके, खाना पीना खाते रहना पड़ेगा हमको बराबर, अपने आप को नॉरिश करने के लिए. अब फटाफट से हम ये ऑब्स लेते हैं. ये येलो कलर के ऑब्स हैं यहाँ पर, इनको फटाफट लेते हैं. जंप तो जबरदस्त कर रहा है हमारा प्लेयर. जंप के अलावा भी कुछ करता है क्या? हाई स्पीड डैश जंप, ये है हाई स्पीड डैश. ओके लेवल 10. अच्छा जी, ये तो अभी नहीं ओपन हो रहा है, यहाँ तो ब्लॉक है. हमारा लेवल अभी काफ़ी कम है. अब हम इस एरिया में ऑब्स को देख लेते हैं. जब तक गोहान वो एप्पल वाले ट्री को देख लेता है, ढूंढ लेता है, तब तक हम थोड़ा ये ऑब्स को कलेक्ट कर लेते हैं. इस एरिया को सर्च कर लेते हैं हम. जबरदस्त, क्या तेज भाग रहा है यार ये. बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छा एनिमेशन है इस गेम का, बहुत ही मज़ेदार इफेक्ट्स हैं. बिल्कुल जैसा मैं कार्टून्स में देखता था वैसा ही इफेक्ट्स हैं. तो टेक्नोलॉजी हैज एडवांस सो मच. वाओ, आई एम रियली लविंग इट गाइस. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस गेम को खेलने में मुझे तो. अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है तब मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है. चलो अब चलते हैं गोहान के पास. उसने ढूंढ लिया है सेब का पेड़, अब ले लेते हैं. अब एक और सेब ढूंढना है हमको. चलो ठीक है, फटाफट ढूंढ लेते हैं एक और सेब. गोहान जब तक ढूंढता है तब तक हम एरिया को फिर से एक बारी सर्च कर लेते हैं. ड्रैगन्स उड़ रहे हैं यहाँ पर. ड्रैगन्स तो नहीं, एनिमल्स उड़ रहे हैं. यहाँ तो कुछ भी नहीं है. हम अपना एक बारी सर्च मोड ऑन करते हैं जिससे हम की को सर्च कर सकते हैं. अच्छा, दिख गया हमको एक वो. गोहान तो अभी यही है. चलो एक और बार देखते हैं. अच्छा, वो तो नदी के पार दिख रहा है, नदी के अपोजिट साइड में है वो. और कोई है क्या? नहीं. चलो गोहान ने ढूंढ लिया सेकेंड ट्री. अब हम फटाफट से ले लेते हैं हमारा सेकेंड एप्पल. चलो एप्पल कलेक्ट हो गए हैं अब हमारे. Oh yeah, we've got plenty of apples now. Plenty of apples now. Gohan. I'm kind of tired now though. I get it. थक गया हूँ मैं अब. And I don't blame you. Hang in there. I got an idea. चलो मछली पकड़ते हैं अब. Head straight home. और फिर चलते हैं सीधा घर. बट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड अ स्पॉट टू फिश. चलो भाई वहां चलते हैं जहां से अब हम फिश पकड़ सकते हैं. हमने देखा तो था एक जगह, वो एरिया सा बना हुआ था फिश पकड़ने का. नदी थी, नदी के ऊपर वो जो लकड़ी का तख्ता लगाते हैं और फिर वहां पे खड़े होके फिश पकड़ते हैं. लेकिन हम इतना स्लो स्लो क्यों चल रहे हैं? अरे हमें गोहन को साथ में लेके चलना है. चल भाई गोहन, जल्दी जल्दी चल यार, थोड़ा आगे निकलते हैं यहाँ. सेब तो बड़ी जल्दी जल्दी ढूंढ लिए थे लड़के ने. कुछ हो, परेशानी हो गई क्या? ओहो हो, थक गया भाई, बच्चा थक गया. Man, you get tired pretty easy, don't you? I guess I can carry you if you want. सही. चलो ये फादर सन बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी दिखा रखी है इन्होंने. Hey,
Hey, you perked right up. Take Gohan with you to the fishing spot. Were you trying to trick your old man? You're one spoiled kid, you know that? बहुत ही अच्छी फादर सन बॉन्डिंग दिखाई है इन्होंने. जबरदस्त मजा आ गया. I want to become a great scholar. What? You're a weird one, aren't you? Well, I definitely can't help you with your studies or anything like that. But if you're ever looking to toughen up, I'm your man. Nah, fighting is too scary for me. Fighting is too scary for me. This is your first time fishing, isn't it? चलो पहुंच गए हैं बस अब हम अपने फिशिंग स्पॉट पे. Let me show you how I used to do it back when I was your age. We should be able to catch something here. Catch something here. Let's get started. Let's get started. But what are we gonna fish with? We don't have any rods. Fishing rods तो नहीं है इनके पास. Nobody said anything about a rod, did they? Who needs one of those pesky things when you've got a tail? पूंछ से पकड़ेंगे मछली कैसे? I can use that to fish? Yep. By dipping your tail in the water, you can feel the fish moving around. Pretty neat, huh? Hang of it. It's really easy once you get the hang of it. Dipping your tail in the water. I haven't done it in a while since I don't have a tail anymore. But when I told my friend Bulma about it, she actually made me a makeshift tail to fish with. Makeshift tail bana di hai to fish with? Nice. Can you believe it? Ha 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 ha. Okay. Achha. So what do you say? Let's catch us some fish. Let's catch some fish. देखे कैसे पकड़ते हैं मछली भाई. I'm pretty sure there's a good spot somewhere right around this place. Try out some tail fishing. Hope I can catch something. Fish. ये पूंछ निकल गई. मैं भी ऐसे पूछ लगाऊंगा भाई. मैं भी लगाऊंगा ऐसे पूछ. जबरदस्त तो मजेदार है यार. चलो विगल कर दिया हमने. आ गई मछली फंस गई. प्रेस द बटन इनसाइड. ओहो हो ये मछली है या मछला है? इतनी बड़ी फिश है भाई ये. ओहो कितनी बड़ी फिश है. अरे जबरदस्त यार. चलो मछली भी पकड़ ली हमने. You got them, Dad? Yeah. You've got them, Dad. Chi-Chi will flip when she sees this one. Yeah, I bet Chi-Chi will flip when she will see this one. All this fishing is really मछली खाने से बहुत ताकत आती है. You know what I mean? मैं भी मछली खाऊंगा. Some of these fish. I mean, चलो. We got plenty. You've got plenty. चलो इनको भी भूख लग रही है अब. ये भी मछली खाने की बातें कर रहे हैं. Let's roast our catch over the fire. Let's roast our catch over the fire. Time to grill up some fish. Time to grill up some fish. I'm hungry for some grilled fish. अच्छा जी. Eat a meal कर देते हैं अब हम. चलो ठीक है. Lean giant fish. यही पकड़ी हमने और तो कोई पकड़ी नहीं है. अच्छा की डेफिनेशन हमारी बढ़ जाएगी 1% इनको खाने से. फूड खाने से हमको काफ़ी सारे पर्क्स मिलते हैं. ओके ठीक है. चलो भाई पेट भर गया अब हमारा. +1% टू की डेफिनेशन. ओके सही है. Man, I'm stuffed. Man, I'm stuffed. Fresh fish in your belly? I think I ate too much. Well, if you want to be as big चलो as your dad, दोनों भाई पर भरपेट इन्होंने फिश खा ली है. Right. अब टाइम आ गया है वापस चीची के पास चलने का. I had fun today, Dad. चलो you know, हमें भी बहुत I मजा आया. Thanks for क्या फादर सन बॉन्डिंग दिखाई है. एक्सप्लोरेशन भी काफी अच्छा दिखाया है इस गेम में. I can't wait. और फाइटिंग तो जबरदस्त दिखाई है यार. चलो सोल एम्बलम्स मिल गए हैं हमको. एम्बलम्स आर आइटम्स दैट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप विद सर्टेन कैरेक्टर्स एंड कैन बी ऑब्टेंड एज यू प्रोग्रेस थ्रू द स्टोरी. ओके जेड वॉरियर कम्युनिटी लीडर गोकू. Emblems can be set or removed at any time. So if you get your hands on a new emblem, don't forget to set it on the community board. Okay.
A community rank influences overall community levels of the Sona emblems that you have. Increase. Soul emblems have community levels that affect the community to which they are set. Are well suited to some communities, but not for everyone. Okay. Help you in battle. अच्छा जी, battle में help करेगा ये वाला हमारा Z warrior community है हमारी. तो इसमें अब हम एक emblem को set कर देते हैं, जो कि Gohan का है. Okay. चलो भाई, set Gohan next to Goku. Set कर दिया हमने. ये लो, हो गया हमारा overall level 8 हो गया हमारा. अरे भाई, जबरदस्त. प्लस 2 बढ़ गया हमारा खाली गोहन को ऐड करने से. बोनस भी मिल गया, अल्टीमेट फादर सन. ओके, स्पेसिफिक सोल एम्बलम नेक्स्ट टू वन अनदर एक्टिवेट स्किल्स. ओके भाई, जबरदस्त. ये तो बहुत ही बढ़िया है. जितने भी सोल एम्बलम्स हमको मिलेंगे, हम उन्हें अपने कम्युनिटी वॉरियर जेड में लगाते रहेंगे. और जो भी कम्युनिटीज हैं, एक और टेक्स्ट मिल गया हमको. फ्रेंडशिप एंड प्रोफिशिएंसी कैन बोथ बी इंक्रीज यूजिंग गिफ्ट्स. प्रोफिशिएंसी विल इंक्रीज इट्स कम्युनिटी लेवल. फ्रेंडशिप इन्फ्लुएंसेस हाउ कैरेक्टर्स विल परफॉर्म. ओके, चलो इसको यूज कर लेते हैं. अब हम जेड वॉरियर कम्युनिटी लेवल हैज गॉन फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2. ओके, ये तो बहुत ही बढ़िया फीचर है. चलो अब गोहन से बात करते हैं हम. चलो भाई, घर चलते हैं अब. चेक आउट दिस एरिया. नहीं नहीं, चलो चेक आउट तो हमने कर लिया था, सब चीजें एक्वायर कर लिया हमने. अब हम सीधा चलते हैं घर, जहां चीची कर रही है हमारा वेट. Here goes. Flying Nimbus! Nimbus को बुला लिया इसने. अरे वाह, Nimbus एक छोटा सा क्लाउड है जो कि फ्लाइंग व्हीकल है गोकू का. बचपन से ही उसके पास था, जब से वो छोटा था. डायनासोर भी घूम रहे हैं भाई यहाँ पर. बढ़िया, उड़ने वाला डायनासोर है यार ये. सही. Z orbs are special items you can find on the field. अच्छा जी, ये Z orbs collect कर सकते हैं हम लोग. हर एक एरिया का अलग अलग कलर है, जैसे कि ग्रीन ट्री का है, पानी का वाइट, ब्लू है. ओके चलो अब चलते हैं गोकू के घर में, लेकिन हम ये पहले कलेक्ट करना चाहेंगे. इनको कलेक्ट करना हमारे लिए बेहतर रहेगा, इससे हमारे जो भी फाइटिंग के जो हमको स्पेशल मूव्स हैं हमारे, जैसे कि कामेहामेहा और बाकी सब मूव्स हैं, उनमें ये हमको एनर्जी देते हैं काफ़ी ज़्यादा. तो पहले हम इस एरिया में कलेक्ट कर लेते हैं, आगे कौन सी फाइट आएगी हमको पता भी नहीं चलेगा. ओके, साथ में काफ़ी सारे एप्पल्स भी हैं, वो भी कलेक्ट कर सकते हैं. फ्री रोम कर रहे हैं अभी हम इस गेम में. ओके चलो, पहले खाने पीने का ये मैप में दिखा रहा है हमको, एप्पल्स हैं ट्री पे. ओके चलो, सही, काफ़ी सारे एप्पल्स ले लिए हमने. ओके चलो अब फटाफट से ले लेते हैं हमको इन सब को फास्ट फॉरवर्ड में. जबरदस्त, हमारे पास एनर्जी ही एनर्जी आ जाएगी अब, और हम अपने अपने जो स्पेशल मूव्स हैं उनको यूज कर सकेंगे अब हम. ओपन वर्ल्ड गेम है ये, फ्री रोम भी रखा है इन्होंने. बहुत कुछ है यार, बहुत सारा स्कैटर्ड है. ओ
ओहो, जबरदस्त, पूरे एरिया में स्कैटर्ड है। अरे वाह, बहुत सारे हैं यार। अरे ये स्पेशल ऑब्स आ गए, लेकिन हम लोग तो उतर ही नहीं रहे हैं यार। अरे यार, चलो बाद में ले लेंगे हम इन्हें। ओके चलो, अब चलते हैं फाइनली घर की तरफ। चीची बहुत ही गुस्से में होगी, हमने बहुत ही लेट कर दिया है। ये कुछ थोड़े से ऑब्स रह गए हैं, इनको ले लेते हैं हम फटाफट। चलो वो रहा हमारा घर नीचे, चलते हैं घर की तरफ। चीची की शक्ल देखो भाई, hey, कितने गुस्से में है। Hey, Chichi, we are back. And we have got food. You're late, Goku. So long to gather ingredients. चल भाई, गुस्सा है चीची बहुत ज्यादा। We did some training too. We did some training too. You're supposed to introduce Gohan to Master Roshi. That's today? Master Roshi Goku ka master hai. Sorry about that. पहले ये लड़ते थे, लेकिन बाद में वो मास्टर बन गया गोकू का। Forget it. What are you waiting for? Get in here. I need to get cooking right away. चलो चीची अब खाना बना के देगी। Talk to Chichi and get her to make you some lunch. Boost to stats and temporary support effects. अच्छा, खाने से हमको ये सब stats increase हो जाएंगे, meal effects कहते हैं इन्हें। Okay, full course meal भी खा सकते हैं हम। Now then, I'll just take these ingredients and whip you up something tasty. Make a dish, make a full course meal. चलो भाई अभी डिश ही बनवा लेते हैं फटाफट। बॉइल्ड फिश बनाने को बोला है। ये रही फिश हमारे पास। चलो बॉइल्ड फिश। फिश बन गई हमारी। ओहो, सही। I have to say this, high quality fish you've brought for home. अब चलो घर ढूंढ लेते हैं। Search the house. एग्जामिन। पुरानी स्टोरीज बता रहे हैं जब ये बचपन थे। ये साथ में क्रिलिन है, गोकू का चाइल्डहुड फ्रेंड। क्रिलिन ट्रिक्स हिम। अच्छा चलो, हमको एक गिफ्ट मिल गया है ये स्टोरी को अनलॉक करने पर। ओके सही, जेड एनसाइक्लोपीडिया अनलॉक हो गया है हमारा। अच्छा जी, आई एम गोइंग टू सी मास्टर रोशी, माय ओल्ड मास्टर। हिज प्लेस इज सराउंडेड बाय द सी, इट्स लॉर्ड्स ऑफ फन। चलो भाई चीची को बोलते हैं हमारा लंच बॉक्स प्रिपेयर कर दे, और फिर हम चलते हैं मास्टर रोशी के पास। क्रैप्चर ग्रैंडियोसोरस, प्रेटरोसोरस। अच्छा, ये सब डायनासोर्स को भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, ये भी फीचर है। ओके चलो भाई, खाना बन गया, लंचेस मिल गए हमको। Thanks, Chichi. अब हम कभी भी एनर्जी ले सकते हैं ये खाना खा करके। Really gets the blood pumping and the muscles moving, right, Gohan? Yeah. एक और सोल एम्ब्लेम हमको मिल गया है। चीची कम्युनिटी लीडर है कुकिंग की। ओके, इफ यू वांट टू बी ए बेटर कुक। हम लोग ऑलरेडी फाइटिंग में है, तो कुकिंग में हम लोग नहीं जाएंगे अभी। चलो अब हम चलते हैं मास्टर रोशी की तरफ। Wait a second. Aren't you forgetting something, Goku? Aren't you forgetting something, Goku? I thought you had something for Gohan. Oh yeah, that's right. Wow, what a neat little ball. That little ball on top there? Gohan ke liye ek cap banayi hai jisme ek dragon ball lagayi hai inhone. Are wah. That's not all you got from him. To ek dragon ball humko pata lag gayi kahan par hai. Really? अच्छा जी, गोहान का नाम अपने दादाजी के ऊपर था। Gohan looks so handsome.
handsome. चलो, गोहान जो है बहुत बढ़िया लग रहा है. Whenever you wear that hat, so take real good care of it, okay, Gohan? Yeah, I will. Thanks, Mom. Thanks, Dad. All right, we're leaving for real this time. सही. तो Dragon Balls collect करनी पड़ती हैं. 7 Dragon Balls होती हैं जो collect कर सकते हैं हम. और फिर हम एक Dragon को summon करके wish कर सकते हैं. कुछ भी विश कर सकते हैं हम लोग. तो ये आइडिया है ड्रैगन बॉल्स का इस गेम में. तो हम लोग निकल चुके हैं अब मास्टर रोशी की तरफ. मास्टर रोशी, सन गोकू द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड, लीड्स अ हैप्पी लाइफ एट होम एंड हिज न्यू फैमिली हैव बीन ब्लेस्ड विद अ न्यू चाइल्ड. ओके, ठीक है. काफी अच्छे से दिखाया है इन्होंने फैमिली का पोर्ट्रेल जो दिखाया है. पहले फादर सन बॉन्डिंग, फिर उन्होंने दिखाया है वाइफ का जो इनका आई मीन जो एंट्रेंस है वो दिखाई है इन्होंने. ओके, और अब ड्रैगन बॉल जी के बारे में बता रहे हैं. These dragon balls that this extraordinary story unfolds with new challenges and adventures. New challenges and adventure awaits. Yes. बहुत ही मजा आने वाला है. अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुई है. अब हम चलते हैं मास्टर रोशी की तरफ. मास्टर रोशी, गोहान को इंट्रोड्यूस करना है मास्टर रोशी से और बाकी लोगों से जो भी वहां पर हैं. ओके, हमको एक बहुत ही बढ़िया ऑब दिखा है, एक अनयूजुअल ऑब दिखा है जिसे हम लेने जा रहे हैं अब. राइवल था मास्टर रोशी गोकू का, बट बाद में फ्रेंड बन गया. ओके, क्रिलिन भी होगा वहां पर. बुल्मा के बारे में बता रहा है. ओके, रैन इनटू मी. ओके, वो भी ड्रैगन बॉल्स को देख रही थी जब वो मिली गोकू से और फिर उसकी दोस्त बन गई. ओके गाइस, सही, काफी एनर्जी मिलती है इन ऑब्स को कलेक्ट करने पर. I can tell this thing's got a lot of energy. चलो अब चलते हैं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम लोग मास्टर रोशी के घर की तरफ जो कि है कामे हाउस. चलो पहुंच गए हम लोग. क्रिलिन है, बिल्मा है. बिल्मा है जीनियस इन्वेंटर. ओके, और क्रिलिन तो हमारा फाइटर भाई है. योर सन? सारे हैरान हो गए देख करके यार गोहान को. नाइस टू मीट यू टू. हिज नेम इज गोहान. किसी को पता ही नहीं था कि गोकू का बेटा भी है. ओह, सो यू नेम्ड हिम आफ्टर योर ग्रैंडपा. ये है मास्टर रोशी टर्टल हर्मिट. सूट्स हिम, डोंट यू थिंक? लॉन्ग ओवरड्यू रियूनियन. ओके, talk to Krillin. Goku, have you been training lately? Well, not as much as I want to. Chi-Chi is getting pretty angry if I train too much. Yeah, I haven't trained myself either. Training ki baat kar rahe hain ye dono. Things have been pretty quiet. Hey, you two, what are you talking about? Nothing really. I could have sworn you two were talking about how you've both been slacking off on Master your training. Master Roshi पीछे पड़ गए हैं. भाई तुम लोग training नहीं कर रहे, ऐसे अच्छी बात नहीं है. Is there, Master Roshi? It would training seem करो, training. You've forgotten that training is a daily activity, not something you do only activity. On special occasions. Not you do at special occasions. You should be moving, okay. learning, playing, eating, resting every day. That's the way of Turtle School. अच्छा जी, इनके ग्रुप का नाम टर्टल स्कूल है. मास्टर रोशी जो स्कूल चलाता है ट्रेनिंग स्कूल, उसका नाम टर्टल स्कूल है. I've got a little challenge for you. टर्टल स्कूल ट्रेनिंग चैलेंज है, अनलॉक हो गया है. ओके, मास्टर रोशी. यस सर, मास्टर रोशी. नाउ टाइम टू गेट बैक टू माय यूजुअल एंजॉयमेंट. एक और सोल एम्ब्लेम मिल गया है
adult community leader Master Roshi ka. Okay. Community skills that aid in earning zenny. Okay, pockets with extra cash. एक और लीडर बोर्ड एक्टिवेट हो गया है. कितने लीडर बोर्ड हैं यार इसमें. एक सब स्टोरी भी अनलॉक हो गई है. वेंचर टू ए ब्लू पिलर ऑन द फील्ड एंड स्पीक टू द कैरेक्टर विद ए ब्लू आइकन. ओके, सब स्टोरीज कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद सर्टेन कैरेक्टर्स. टर्टल आ गया है. टर्टल से बात करेंगे अब हम. टॉक टू क्रिलिन अगेन. नहीं, पहले हम टर्टल से बात करेंगे. कामे हाउस रेजिडेंट टर्टल. ओके, are you hiding something? Hey! Master Roshi ki koi book chupa di hai isne. Chalo bhai, turtle nikal liya wahan se. Master Roshi ki book chupa di usne. Have you seen that blasted turtle? Huh? मास्टर ऋषि की कोई बुक छुपा दी उसने. What kind of book is it? Is it really that special? My most prized possession. अच्छा जी, चलो अब मास्टर ऋषि की बुक ढूंढनी है हमको. Greetings. Yeah. Swimsuit photograph collection. Achha ji. Ye budda to bahut hi zabardast hai. Chalo, ye to dhoondni padegi bhai. All right. What should I do now? Talk to people. And try to find out. चलो बिल्मा से बात करते हैं अब हम. बिल्मा, तूने कोई वो बुक देखी है क्या? अरे नहीं, मैंने तो वो टर्टल के पास देखी थी. ओके, चलो अब चलते हैं हम टर्टल के पास दोबारा बात करने. टर्टल कहाँ है? ये रहा टर्टल, यहाँ पर वेट कर रहा है हमारा. मैं नहीं बता सकता तुम्हें कहां छुपाई है मैंने. बिलोंग्स टू द ग्राउंड, मतलब इसने ग्राउंड में कहीं छुपा दी है. ओके, चलो देखते हैं. एग्जामिन. गोकू एंड बुलमा हेल्प द लॉस्ट टर्टल रिटर्न टू सी. अच्छा जी, ये टर्टल कहां से आया, उसकी कहानी है ये. ओके, चलो. अरे मिल गई हमको बुक, मिल गई यहां पर. सही, चलो अब चल के इसे दे देते हैं मास्टर Roshi को. यो, ये लो, मैंने ढूंढ लिया आपकी बुक. हुर्रे. चलो हमको. अरे भाई, एक्सपीरियंस डी मेडल. डी मेडल भी काफी इंपॉर्टेंट है. बुक्स फॉर ग्रोन अप, एनर्जेटिक फिश हर्ब. बहुत कुछ मिल गया यार सब स्टोरी कंप्लीट करने से. चलो अब क्रिलिन से बात करते हैं हम. ट्रेनिंग करते हैं हम. चलो अब हमें ट्रेनिंग करनी है. All right. मेंटल सिमुलेशन ट्रेनिंग की बात कर रहा है ये. अच्छा.
एक फिजिकल ट्रेनिंग है, एक मेंटल ट्रेनिंग है. द ग्रेट थिंग अबाउट मेंटल सिमुलेशन इज ओके. चलो, ट्रेनिंग ग्राउंड हैज बीन अनलॉक्ड. चेक आउट द ट्रेनिंग ग्राउंड. कंसेक्यूटिव एनर्जी ब्लास्ट मिलेगा हमको. डिफीट क्रिलिन. ओके चलो ठीक है, शुरू करते हैं हम. क्रिलिन तो आराम से हार जाएगा, क्रिलिन इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है ड्रैगन बॉल जी में. और बॉय इसमें तो स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. अरे यार जबरदस्त. टू डॉज एन अटैक एट क्लोज रेंज प्रेस एक्स जस्ट एज द अटैक इज अबाउट टू हिट यू टू परफॉर्म. ओके कामे हमें हाथ छोड़ दिया था यार, हम तो वो पढ़ने में बिजी थे. ऐसे लड़ेगा क्रिलिन? यू कैन गार्ड अगेंस्ट अटैक बाय होल्डिंग L2. ठीक है, ये तो हमें पता है. Press this while guarding to send a nearby opponent flying. This is called burst. Press X while guarding an attack to quickly maneuver behind your opposing and send them flying. It's called a vanish attack. अच्छा जी, vanish attack कर सकते हैं हम. L2 और square button दबाना है हमको. सही. ये सब की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है यार. ये देखो, ये हमने vanish attack करके उसके पीछे चले गए थे हम. ये क्रिलिन का, ये देखो, ये था हमारा वैनिश अटैक. पीछे से हमने उसको थप्पड़ मारा है. आसान है यार, फाइट तो आसान है, इतनी भी मुश्किल नहीं है. खत्म हो गया, फिनिश. चलो हमको मिल गया कंसेक्यूटिव एनर्जी ब्लास्ट, मिल गया हमको. That should be enough training for now. सही बात है. Talk to Krillin again. So he's got your looks, but does he have your power? He's got your looks, but does he have your power too? He's pretty strong. Gohan की बात हो रही है यहाँ पर. But I can't be sure since Chi-Chi won't let me train him to find out one way or the other. Gohan को train करने की बात हो रही है. चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं अब हम दोबारा से. कोई तो आ गया, रेडिट्स आ गया क्या? Hey, Dad, what was that? Not sure. Son Goku, the strongest fighter in the world, leads a happy life at the home. He has been blessed as a child. Goku makes his way to Kame house where he intends to introduce his son to Master Roshi. Oh, Reddits aa gaya bhai, Reddits aa gaya. Maza aayega, fighting hogi zabardast. What is it? It ain't no meteor. What is this? खुल गया इसका कैप्सूल, खुल गया भाई, निकल गया रेडिट्स. रेडिट्स द रंट. क्या जबरदस्त एनिमेशन है यार, बहुत ही मजा आता है. Just as I thought, the creatures on this planet are still alive. Kakarot failed us. Who or what are you? A power level? Power level ये इनके पास मीटर है जिससे पावर लेवल चेक कर सकते हैं सामने वाले बंदे का. तुझे क्या लगता है वो एक गन की गोली को नहीं रोक पाएगा? ले भाई, इसने तो उसी से उसको मार दिया. Is this the best that this planet can muster? Large power reading मिल गई इसको भाई. Kakarot. Kakarot. इसे लगा Kakarot है. चलो. Piccolo की एंट्री हो गई.
What in the world could that Piccolo ने भी उसकी एनर्जी को महसूस कर लिया और पिकोलो परेशान हो गया. I've never felt a power like this. सही. Press L3 while flying to boost and fly at a high speed. Okay. सही. By pressing L1 on the field or mid-flight, you can detect the key of the nearby animal. Same as Goku. Okay, fine. Items, animals to hunt, dinosaurs, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, हमको दिखेंगी ये सब चीज़ें. Alter to enter a first person view, while in this, press square to fire a key burst. अच्छा, अगर animals वगैरह को मारना है तो ये सब कर सकते हैं. Okay. You will stun it or make it easier to catch. Airways आ गई हैं. Okay, airways में enter कर सकते हैं हम, ऐसे round circle के होंगे ये. ओके फाइन. जेड ऑब्स मिलेंगे हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा. ओके फैंटम एयरवेज हैं. ओके ये अपने आप डिसअपीयर हो जाते हैं, मतलब टाइम लिमिट है इसमें कलेक्ट करने के लिए. सो नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइज, हमारी फाइटिंग होगी रेडिट्स के साथ. आज के एपिसोड में इतना ही. जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए गाइज. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. द नाइल्स कोम साइन इन ऑफ. इट इज़न्ट गोकू.